उसी जगह पर होती हैं जहाँ एक अरसे से कोई रोशनी ना की गई हो ना कोई आया गया हो। हम एक को समझ रहे थे, पड़ोस वाले कमरे में 6-7 घूम रही हैं। आप ये सोचें उस इमारत में जहाँ इनकी बीठे हैं वहाँ कितनी तादाद में होंगी। ओहो, लेकिन फिर बात बताऊँ दादा जी, इतनी देर तक चमगादड़ ना जाए ऐसा कभी हुआ नहीं। हमने भगाई है यार, थोड़ी देर में चली जाती चली जाती है। हम बाहर आ गए, वो नहीं निकली। सब इकट्ठे आ गए, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। ये नहीं यार, ये शाम से तो आवाज़ें नहीं थी बिल्कुल। ये कहते हैं जानवर जी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उनको देखकर भौंकते और हांकते हैं कुत्ते और गधे। जब जब आप ये रातों को आवाज़ सुने तो पढ़ लिया करें आऊज़ बिल्लाह मिन शैतान। यार मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें ना यहाँ से वहाँ जा रही हैं, पता नहीं वो चमगादड़ है क्या है। ये तो चमगादड़ है अभी। इसमें जी इसमें जा सकते हैं हम? हाँ इसमें जा सकते हैं, वो उस रूम में जा सकते हैं। तो लाइट भी दिखा वहाँ। आस पास देखते रहना, अपने ऊपर देखते सोचते। हाँ हाँ नजर आ रही है। आपने अपने ऊपर? हाँ अपने आस पास देखते रहना काम है भी। जी जंगल है। ये वाला? हाँ अभी यहाँ से वहीं से आवाज आई अभी। हाँ वो चमकादड़ वाला कमरा है ना, वहाँ से आई है? जी जी वहाँ। यार मुझे तो इस रूम से आई है यार, इस रूम से आई है यार। नहीं इसी से आई है। अच्छा हाँ। कौन है? क्या नाम है आपका? दोबारा अर्ज कर दूं, अगर बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आना हो तो आइएगा आइएगा। मैं कह रहा हूं ना साहब, वही रूम है यार, ये खेल रहे हैं हमारे साथ। अभी हम वहां से सोते तो वहां से आवाज आ रही है। ये खेल रहे हैं ना, खेल रहे हैं, ये खेलने दे खेलने दे। सुबह हवा नहीं है, किसी की गलती की सजा सबको क्यों दे रहे हैं? सांप जानवर मायने रखते हैं यार। हाँ क्या है क्या है? पहले था? नहीं पहले नहीं था। हैं? पहले नहीं था ये। श्योर श्योर पहले नहीं था ये। ये जला हुआ पत्थर है? हाँ इधर है, जलाया हुआ है। साइड से देखा से लगा जैसे कोई चाबी का निशान नहीं होता ऊपर। हाँ बिल्कुल, पुरानी चाबी डालने का निशान। ये जला हुआ पत्थर है पूरा है? बस बस साहब बस, ज़्यादा करीब नहीं। जंगल जंगल झाड़ी झाड़ना, ये पहले तो नहीं था। नहीं था यार, पहले इस कमरे में क्या हो रहा है? पहले ये नहीं था, पहले आपको लगा है क्यों नहीं है? कौन नहीं था? आप ये देख रहे हैं फिंगरप्रिंट? अब समझ आ गया, मुझे आ गया था अभी पहले। अब फिंगरप्रिंट से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपना उंगली से खून निकाल कर बनाया है। और ये और ब्लड से बनाया हुआ अच्छा नहीं होता है ना भाई, ये सिर्फ बुरे में काम आता है। हाँ और नूरी अमल जो किया जाता है वो ज़ाफ़रान से किया जाता है, खुशबू से किया जाता है, दीगर बहुत सारी चीज़ें। ब्लड तो फिर आपको पता है कौन यूज़ करता है? नेगेटिव। उसके अलावा मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ब्लड से ये बनाया तो ज़मीन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी इसकी। ये देखें,
हमारे अब ऐसा लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। ये तो अजीब गरीब है यार, समझ से बाहर। क्या नाम है आपका? साहेब करेंगे खुद को? मुझे बताएं कोई जवाब बनता है सोचो। नहीं 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 यार, ये नहीं, ये तो बड़ा अजीब है यार। यकीन जाने जैसे मैं कचरा कुंडी के मुताबिक हूँ कि सब भुगतते हैं ऐसी गलती को, ये कितनी बड़ी ज्यादती है। बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। इसका खुमियाज तो काफ़ी लोग भुगतते हैं, यहाँ तक कि किसी का भी नाम अगर आप नीचे देखें या कोई तो चीज़ आपको ज़ाया कर दें उस पर नाम लिखा हुआ ना, तो उसको मिटा के या उसको फाड़ के रखना चाहिए। सांस ले रहे? लाहौल मतलब तो खराटे ले अंदर से कोई गुर्रा रहा था यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई। ये देखें ये सांस, हाँ हाँ, ये आपके पैरों के पास रखे हुए यार, ये रखे हुए, ये देख रहे हैं। हाँ, इसी साइज का पत्थर आया ना वहां पे हमारे पास। यही आया है, ये देखें, ये वहाँ आया ना कामरान भाई, और ये आग भी जलाई हुई है यहाँ पे। मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, हम तीनों के अलावा कोई देखता है नहीं, देख रहा नहीं, हमारे साथ ही चल रहा है सजन भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं हमें यार। एकदम मैंने इनको ये कहा है और उन्होंने ये पत्थर वहाँ फेंका है, मतलब इधर कुछ है, इधर क्या है हड्डियों के अलावा, ये जलाया हुआ है कुछ। तब ये तो बहुत बड़ी जगह है, अगर कहीं ऐसी कोई चीज़ है भी तो निशानदेही बहुत मुश्किल से होगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इधर बैठ कर कोई अमल करने की कोशिश की गई है, अमलियात किए गए हैं यहाँ पर। सर भाई हो सकता है, हो सकता है सर, वीरान जगहों को चुना जाता है ना इस तरह के अमल करने, और ऐसी पुरसुकून जगह ना जहाँ कोई पूछेगा ही नहीं क्या कर रहे हो भाई आप। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे जो जमा किए हैं ना, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ है ऐसा जो इनसे जुड़ा हुआ है। हो सकता है, मुझे तो पूरा हिस्सा ही लग रहा है यार सर, तो ये पूरा आमने सामने का पूरा हिस्सा जो गंदगी में इस वक्त लपटा हुआ है, लाहौल वाला पोत। हमें नहीं समझ आ रही क्या कहना चाह रहे हैं। कहा आपने? किसी भी तरह हमें समझा सकते हैं? कुछ नहीं। किसी भी तरह हमें समझा सकते हैं? कुछ नहीं। इसी कमरे में है और इससे अगले कमरे में है। यहाँ से यही तो पता नहीं चल रहा ना साहब भाई। पत्थर को जगह जगह डंप किया हुआ जैसे कब्रों में ले जाता है,
ये अमल अजीब सा खून से किया गया अमल, बाकायदा फिंगरप्रिंट्स हैं। ये फिंगरप्रिंट जो होते हैं आपके, ये हैं इसके। ये जोड़ी में हुआ था भाई, ये सिंगल नहीं है, ये जोड़ी में। अगर अमल के लिए किया गया है तो, अगर ये कोई नक्श का इशार है तो एक ज़मीन के अंदर ज़रूर होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। पत्थर इसीलिए तो नहीं कहता कि ज़मीन के अंदर कुछ नहीं। अब तीन चार जगह पे है, कहाँ पे है? और सबसे बड़ी बात जिसका मैं खुद शर्मिंदा हूँ, जो ये इतने इल्मी किताबें हैं, तो बात ये जब तक इसके परखचे उड़ा के नीचे फेंके हुए हैं, इसी तरह तो परखती है ये मखलूक सखर हवेली में क्या था। यही गलती है, जमीन पर ऐसे औलाद जो थे ना उन्होंने उठाए थे, मतलब जहाँ नेगेटिविटी की इंतहा कर दिया वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी, चाहे वो कचरा कुंडी हो, गंदगी हो, या इस तरह का कोई अमल हो। सबसे पहले तो इनको सुबह जिंदगी रही छत पे ही कहेंगे सुन रहे कि साफ करवा दें, साफ करवा दें इनको, प्रॉपर किसी मोहब्बत की जगह पर पहुँचाएं इनको। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, जंगल है पीछे यार, वो डक है, डक देखा नीचे उतरने वाला डक है यार, नीचे जंगल ही जंगल, सबसे ऊपर यही है। हाँ ना, और वो सबसे ऊपर बना, और वो भाई बोल भी तो रहे थे तो यार भेड़ियों का बहुत डर है। गुटकी हम थे ना सर जी, जी बच्चियों का कॉलेज था। हाँ हाँ, कॉलेज से हट के वॉशरूम था के साथ, बिल्कुल। ये भी फासला देख रहे हैं यहाँ से वहाँ से, हाँ बहुत सही कह रहे हैं आप। सिर्फ आधी रात का टाइम नहीं, एक सख्त धूप का टाइम जो होता है जब सूरज आपके सर पे होता है 12 से 12:30 के दरमियान का वक्त, इस टाइम पर भी कहा जाता है कि मखलूकात के बहुत असर होते हैं, बिल्कुल आधी रात और ये वक्त। तो दिन में बाथरूम अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस जहाँ पढ़ के जाना चाहिए, बिल्कुल, कि मैं पनाह मांगता हूँ खबीस जिन्नात और जिन्नियों से, बिल्कुल। उस जगह को आपने जंगल में बनाया हुआ है, हाँ, इतनी दूर बच्चे हैं छोटे, कभी पाकी नापाकी का ख्याल रखते हैं, कभी नहीं रख पाते, बिल्कुल, और वो तपती धूप में यहाँ से कोई 300 फुट 300 मीटर वहाँ जाए, 400 से भी ज़्यादा है सर, वहाँ जाए अकेले और एहतियात लाजिम लाजिम है, जो कि हम गांव देहातों में कम देखते कम दे नहीं देते हैं, बिल्कुल। तो कहीं ऐसे तो नहीं, वहीं से शुरुआत लगता हुई है, बिल्कुल सर भाई, बिल्कुल। नहीं सर भाई ठीक है, अगर ये ठीक हो गई, गलती हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इनका मुस्कुराना नहीं बनता यार, इनका मुस्कुराना नहीं बनता, ये पॉजिटिव में तो नहीं आते मुस्कुराने वाले, क्यों आएंगे? अगर अल्लाह ताला के कलाम भी है इसके अंदर, कई औराक होंगे स्कूल की किताबों में तो अल्लाह का जिक्र है ही ना, तो वो क्यों है यार, वो उनका मुस्कुराना क्यों है हमारे, हमें देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं, हमारी बात सुन के क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हमें धोखा तो नहीं दे रहे, बिल्कुल धोखा दे रहे हैं, इनका काम ही धोखा देना है, झूठ बोलना। पॉजिटिव तो हमें बिल्कुल खुशबू से ही आगाह कर देते हैं पहले ही, गलत काम करवाना चाह रहे हैं भाई, मैं भी को लेके उस नक्श को लेके। आप यकीन करें शाम को मैं क्या सोच रहा था जब मैं आया ना अंदर, आप जब बाहर खड़े थे, मैं ये सोच रहा था यार कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना तो किसी से पेट्रोल लेके यहाँ आसपास से मैं सारा कचरा जला दूँगा ये बाहर निकाल के। मैं हमेशा आप सबको रोकता हूँ ना, मेरा दिल चाह रहा था मैं उस परिंदे को पकड़ लूँ, हाथ लगा लूँ, कैसी है हर कमरे में अलग स्मेल कैसी है। आपको हमको तो ज़्यादा अंदाजा है ना, अगर पॉजिटिव होता तो हमें तो खुशबू आती है, और आप इतने ऐसे से सिर्फ ये जीना उतर जाए आपको बनती नहीं आई, और वहाँ जाकर फिर बढ़ जाए, वहाँ बैठ कर बढ़ जाए कि आमने सामने जो है ना जगह, क्या चाहते हैं आप? है कोई जवाब इस बात का, क्या चाहते हैं आप?
है कोई जवाब इस बात का? क्या चाहते हैं आप? है कोई जवाब इस बात का? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह का। कभी कभार बचत भी हो जाती है, मतलब हर हफ्ते या हर जगह पर ही भागना नहीं पड़ता, कभी कभार हम नहीं देख पाते, नहीं रिकॉर्ड कर पाते, हालांकि मौजूद होती हैं चीज़ें आसपास, तो कभी कभार बचत भी हो जाती है। सही, क्या किया करें। जैसे पहले हमारे बॉस कहते थे ऐसे शोज ना दिखाया करो तो ना दिखाया करें। नहीं नहीं यार, सस्पेंस तो था ना, सस्पेंस भी कुछ हो सकता था। और एलिमेंट्स देखे ना आपके, कितने एलिमेंट्स थे उसके अंदर। बहुत खौफ था उस जगह पर और चीज़ें बढ़ रही थी, और जब हमें लगा ना कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। देखिए हम जंगल में थे, जंगल की पहाड़ी है, गाड़ी तक पहुंचने में कई जगहों पर होता है ना कि अगर आपको महसूस हो जाए कि जानवर करीब आ गए हैं, चीज़ें अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तो वहाँ से स्टेप बैक कर लेना ही बेहतर है। सही। और इतना सब कुछ जान के देख पता चल जब जाए आपको कि जी इतनी मखलूकात वॉशरूम से निकलती हैं, इतने जानवर वहाँ हलाक हो चुके हैं, तो और उस एक वॉशरूम पर जो इतने पत्थर मारे गए थे, सैकड़ों की तादाद में पत्थर मारे गए, सैकड़ों की तादाद में, ये कैसे यार? मुझे ऐसा लगता है ये कोई इलाज की कोशिश थी शायद, कोई जैसे कमान भाई ने कहा ना कि भाई ऐसे पत्थर मार रहे हैं जैसे आप शैतान को कंकरियां मारते हैं। मेरे यहाँ पता नहीं बचपन में था ना, तो हम गेंद सुखाने के लिए लोग पत्थर सुराख हुए हुए थे, छोटे बड़े सुराख हुए थे, और उसी वॉशरूम में जहाँ मसाए थे। कभी बार बचत भी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो परिंदा मिला था वो क्या थी यार? मैं हैरान शायद मैं कहता हूँ कोई जानदार यार, वहां पर जो एक समझ लें ब्लास्ट हुआ था ना, कुछ चीज गिरी थी फटी थी, वो ऐसा ब्लास्ट था कि ये जैसे कान बंद नहीं हो जाता आपका, कुछ देर के लिए सुन्न हो गया था कान ये वाला, और हम सब घबरा के बाहर आ गए थे, और वो हमसे एक फुट या एक गज के फासले पे था, वो ऐसे बैठा हुआ या बैठी हुई थी जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ हुआ ही नहीं। कोई जानदार नहीं ऐसे रिएक्ट कर सकता। इंसान कहते हैं अशरफ अजी बड़े मजबूत होते हैं, वो तो परिंदा तो दिल ही नन्हे नन्हे से होते हैं, वो धड़क रहे होते हैं, फड़फड़ाते हैं, टक्कर लग जाती है, मतलब हिल जाते हैं अपनी जगह से, लेकिन वो हिले तक, और यहाँ तक कि अगर उसको आवाज नहीं भी आई ना तो एक वाइब्रेशन हुई थी वहां पर, इस वाइब्रेशन से उसको हिल जाना चाहिए था। अच्छा कुछ चीज मुझे बड़ी बड़ी वियर्ड लगी थी कि बहुत ऐसी लोकेशन पे आप जाते हो कि जब आप पहुंचते तो कबूतर हिल जाते हैं, उड़े जाते हैं, और आपके लाइट से रोशनी से चमगादड़ भी उड़ रही थी, लेकिन ये परिंदा कभी भी हमें ऐसा परिंदा मिला कभी नहीं हुआ। मैंने इसको वहाँ से उड़ते हुए नहीं देखा, ये वहीं बैठा रहता है। और एक दफा नहीं, ये सजा तकरीबन 10 साल या 12 साल जनरी है पूरी, उसमें कोई परिंदा तो ये उड़े, और मतलब कम से कम ना 4 बार मिला, ये 3 से 4 बार तो मुझे याद है ही मिला। 5 हो गया शायद अभी हमें। मैं कभी इतना करीब नहीं गया था जितने इसके गया, सिर्फ ये दिखाने आपको कि ये ओरिजिनल एक बर्ड है। मैंने कहा इसको मैं उड़ा के दिखाता हूँ शायद, लेकिन समझ लें इतना सा फासला रह गया था कि मुझे अंदर से आवाज आई कि भाई नहीं करो ऐसा। परिंदे तो बहुत पहले ही उड़ जाते हैं, मतलब उनकी हिस बहुत तेज होती है। वही ना शराब भी, यही मैं अर्ज करूँगा कि जरूरी नहीं कि हर जगह आपको ना आपके सामने कोई काला साया आ जाए, या कोई आपके सामने ऐसा चेहरा आ जाए, या कोई ऐसी आपको दिख जाए कोई चीज। जानवर अक्सर इन मखलूकात जो है ना, ये इनकी शक्लों में आती हैं,
जानवरों की, और ये वो आपको करके दिखाते हैं, ऐसे इनके रिएक्शन होते हैं जो नॉर्मली जानवर कर ही नहीं सकता। इससे अंदाजा हो जाता है आपको कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। और इनके बारे में भी ये मिलता है जो इनके वजूद जिन लोगों ने असल कंडीशन में देखे, जो असल हालत जो अल्लाह ने इनकी पैदा की, वो कहते हैं कि मल्टीपल मुख्तलिफ किस्म के जानवर ही हैं जी। जैसे कोई सूंड है तो अजीब से पकान है तो ककोडाइल से, इस तरह के मल्टीपल जानवर बन के एक एक कोई हैबत बनी हुई होती है। लोगों ने महसूस किया कि उस जगह पर जो निशानियाँ थी, जो हड्डियाँ वहाँ पर हमें मिली जितनी, एक जगह पर इतनी ज़्यादा कमी मिलती हैं। 7-8 हमें मुख्तलिफ चप्पलें जूते मिले वहाँ लोगों के, फिर एक वीरानियत और इस तरह की रिएक्शंस, इस तरह की चीज़ें और जो वाक़यात वहाँ से मंसूब थे, तो लग तो ऐसे ही रहा है कि जी किसी ने शायद जल्दबाजी में बनाया या एहतियात नहीं की इस जगह पर, जिसकी ऐसे ऐसे रिएक्शन आए सामने, या बीच में इलाज की गर्ज से किसी ने क्या किया। लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा वहाँ पर चीज़ महसूस हुई वो ये कि शायद यहाँ पर किसी ने कोई अमल किया है। सही। उसकी हमें निशानियाँ मिली, जगह जगह आग जलाई गई थी यहाँ पर, पत्थरों की बड़ी तरतीब से चीज़ें बनाई हुई थी वहाँ पर। और वहाँ जब मैंने सवाल भी किया था कि क्या आपको भेजा गया, तो उसका भी जवाब मिला था हमें, हमने मतलब वहाँ मखलूक ने रिस्पॉन्ड तो किया था हमें, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे किसी साय की शक्ल में या किसी और हरकत की शक्ल में, तो अलहमदिल्ला कभी कभी बचत भी हो जाती है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने एक होता ना जैसे आबादी बनती है फिर स्कूल बनते हैं, मुझे ऐसा लगा कि स्कूल पहले बना दिया गया अब आबादी बनाएंगे, किसके लिए बनाया था, या आपने कुछ देखी आंखों से आबादी? मुझे ना जब हम वो लॉक जिन के पीछे गए थे, हाँ, वहां पर पहले करीब थी आबादी, सही, लेकिन वो उन वाक्यात और हरकत की वजह से दूर होती चली गई। अच्छा, असरात का असर पड़ता गया तो लोग डर के घर पीछे बनाते रहे। वो हुआ कि भाई हमने शायद गलती कर ली है, उनकी जगह पर बना लिया या कोई बनाने वालों ने गलती कर ली है, तो हम पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा हुआ है कई जगहों पर। मुझे कई लोग कहते हैं कि सजाद भी इसमें इंसानों की ज्यादा गलती है कि शहरों को तो शहर उन्होंने जो गांव देहात और सॉरी जंगल वीरानों को जो इन्होंने ऐसी आबाद करना शुरू कर दिया है ना कि दरख्त काट दिए, एक जगह अरसे से वीरान है वहां सडनली कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, जिसमें हमारी बड़ी मशहूर सोसाइटीज भी शामिल है। जी 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 जी, बड़ी मशहूर सोसाइटीज भी शामिल है, कराची की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं पहुंच गया जहाँ पे आप पहुंचा रहे हैं। वहाँ के सिविल इंजीनियर्स, वहाँ के आर्किटेक्ट्स, वहाँ के समझने लेबर हेड्स, उन सब के मेरे पास मैसेजेस हैं कि हम किन किन यहाँ पर पुरसरार वाकयात से गुजरे हैं, हम आपको बताते हैं, हमारी मशीनें, हमारी लेबर कई बार जो है ना हम पीछे हटे। फिर हमने साहिब लोगों को तकलीफ दिया, वो आया तो उन्होंने हमें डांटा भी है। फिर कि तरीका होता है, आप कराए घर शिफ्ट करते हैं शहर के बीच में, जिसको खाली हुआ महीना नहीं होता, आप जाते हैं वहाँ साफ सफाई करते हैं, वहाँ कुरान पानी करते हैं, अजान देते हैं, खुशबू करते हैं। मैं आपको बताऊं, हम पहुंचे पंजाब, हमने 2 दिन के लिए घर किराए पे लिया, 2 दिन के लिए, शायद वे पूरा धोया अपने हाथों से, सही, पाक किया, खुशबू सफाई, 2 दिन के लिए यार, आप एहतियात का अंदाजा लगा लें। और जहां आप अपने घर बना रहे हैं, जहां खुद रहेंगे, सोसाइटियां फला फला, वहां बस खोदो खुदाई करो, आप क्यों नहीं बात समझते इस बात को कि भाई इनका वजूद है जंगलों में, वीरानों में, बयावानों में। बाद में कहते हैं हाँ गलती हो। लेकिन सच्चा मुझे नहीं समझ में आता कि लोग क्यों डिनाई कर देते हैं, क्योंकि अब तो माइक्रोस्कोप आ गई है, ऐसे ऐसे जलसन जो आंखों से दिखते ही नहीं है यार, वो लाइफ है और वो मसल उनकी जिंदगी है और वो मसल खा रहे हैं पी रहे हैं। पहले हम इल्म के ऐसे दौर में रह रहे हैं कि आपकी बात छुपी भी नहीं है, भाया है। मैं पहले परेशान होता था इस बात से, अब भी होता, मैं भी हैरान होता, मुझे बार बार फरमाते आपके जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वो जाने उसका रब जाने, और समझाना नहीं है, खुद समझना है। बात ये यार, ज्यादातर लोग ऐसे हैं हम समेत जिनमें ना ऐसे बात समझ नहीं आती जब तक वो खुद गुजरते नहीं है उससे। सही बात है। और फिर खा के या कोई बर्दाश्त करके, क्योंकि सबको पता है कि ये सही है ये गलत है, किसको नहीं पता, लेकिन कर रहे हैं सब, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ। लेकिन ये है कि मेरा कहना ये है, मशवरा है आपको, मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस तकलीफ से गुजरें, उन ना समझ में आने वाली परेशानियों से गुजरें, तब जाके आप अमल करें,
ये चीजें हैं पहले ही अमल करने, और अमल करने में है क्या सफाई? और अच्छा सबसे बड़ी बात सज्जाद, ये सारी जो अमल है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, मतलब कोई इसमें पैसे नहीं लगते, आपको थोड़ा टाइम देना है और आप और सब बताएंगे। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, वहाँ पत्थर कैसे मिले? वो पत्थर से मुझे तीन चार लोकेशन याद आ गई, वो जो कवर नुमा वो पत्थर एक अचानक एक माहौल में कैसे आ जाते हैं वहाँ? और पत्थर कोई साइन होता है, वो क्या होता है? पत्थर बड़ी दूर से फेंका गया और आया हमारे दरवाजे के बाहर जहाँ मौजूद थे। अब किसको इतना एक्सपीरियंस था कि मैं यहाँ से फेंकूंगा तो ये रगड़ता हुआ वहीं पहुंचेगा। उसने वेलोसिटी कंट्रोल की है, आप अंदाजा लगाएं, एक्यूरेसी देखें आप। ये आप दिखाइएगा शिराज भाई, हम अंदर थे और कोई ऐसी मैं बात कर रहा था, शायद उस तावीज नुमा खून से जो बनाया गया था वहां पर, मैं इस पर बात कर रहा था और मैंने कोई बात कही थी उनको ऊपर, जिस मैंने कहा था कि मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी, तो एक पत्थर आया रगड़ता हुआ, कई देर तक तो हमें उसकी आवाज आती रही, सही, वो रगड़ता हुआ आया और जिस कमरे में हम थे ना उस कमरे के बाहर रखा था, सही, मतलब वो कहां से रगड़ता हुआ आ रहा था और वहां रुका आके। कामरान भी चीख पड़े वहां कि भाई ये तो इतनी दूर से आ रहा है, गिरता पड़ता हुआ यहाँ रुक गया। और वो पत्थर वहां के थे नहीं, बिल्कुल गोल समंदरी पत्थर जो थे ना वो हमें और कहीं ऐसे नहीं मिले, उस जगह पर जगह जगह पे वो कब्र नुमा रखे हुए थे। समंदरी पत्थर भी ऐसे गोल नहीं होते, वो होते हैं मतलब हजारों में एक दो, उनको चुनना पड़ता है, क्योंकि अभी मेरी फैमिली आई थी तो उनको अपने एक्वेरियम के लिए चाहिए थे, तो उनमें से हम मैंने उठा के दे दिए उनको ढेर सारे, लेकिन उन्होंने तीन चार चुने, मैंने कहा आपको तो समंदर चाहिए, कहते नहीं मुझे ब्यूटीफुल भी चाहिए, तो कौन यहाँ से समंदर पे ले जाके वहाँ जाके ऐसी कब्रें बना रहा है या उसको रख रहा है? तो महसूस यही हुआ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस जगह पर अमल किया गया यार, खून से तावीज़ वहाँ बनाया हुआ था। मैं इसलिए श्योर हूँ इस बात पे कि आपकी फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना दीवार पर, आप जूम करके दिखाइएगा कि वो ना दीवार पे फिंगर, मतलब वो खून उंगली से लगाया गया था, जैसे किसी ने यहाँ पर या यहाँ पर सुराख किया हो, हल्का सा पिन करते हैं ना ब्लड निकलता है, तो ऐसे ना बकायदा वो चार साइडों पे बनाया हुआ। अच्छा मुझे एक शक पड़ रहा था शायद संदूर से ना हो, नहीं जो आपने आंखों से देखा जी, है, तो विजुअल देखिए ना ब्लड ना कहीं आप लगाए ना कहीं डार्क होता है कहीं लाइट होता है जहां से आप ज्यादा जोर लगाते हैं, तो फिर सुहेल भाई ने भी कंफर्म किया इस बात को कि नहीं भाई ये ब्लड ही है। यार खून से दीवार पे, चलो कुछ जज्बाती लोग खून का इस्तेमाल कर लेते हैं लव लेटर वगैरह पुराने दौर में, लेकिन दीवार पर ये क्यों कोई बनाएगा नक्श खून से क्यों? तो इस पे सुहेल भाई कह रहे थे कि यार ये अमल होता है और ऐसे जो जिस अमल में खून शामिल हो जाए वो पॉजिटिव अमल नहीं होता। तो सजाद जो उन्होंने बोला कि वाशरूम में से इतने जिन्नात है घर ही वाशरूम में जो बुरे शयातीन के, तो वो पॉजिटिव तो निकलेंगे नहीं, सही, क्योंकि वो जगह गंदी है गली सब मतलब नापाक जगह है। कुमारी पे हम जब गए थे उस जगह पर तो जैसे हमें वहां जगह जगह निशान मिले थे ना कई आमिलों की बाकियात, हड्डियां, आग का इस्तेमाल, ऐसे पत्थर दायरे इस तरह का ये नक्श और कोई तस्वीर और कुछ अजीब से नंबर्स 666999000 इस तरह के नंबर्स, 666 तो शैतानी नंबर है यार, कहते हैं सैटेनिक है, उसकी पूरी साइंस है पूरी। तो ऐसा महसूस हुआ कि इन 10-12-14 सालों में ना यहाँ बहुत कुछ ऐसा हुआ है, जो एक ख्याल जो तजर्बे में है जी वो है कि हमारे कुछ इंसान भाई नुमा लोग जो हैं इंसान नुमा लोग जो हैं वो ना इन मखलूकात की तलाश में जाते हैं उनको कैद करने के लिए, उनको पकड़ने, उनको अपना बनाने। ये मैं कुम्हारी पर जाने के बाद और जमीना पंपिंग स्टेशन पर जाने के बाद आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें रिकॉर्ड किए ये सब कुछ ऐसा होता है कि लोग जो है ना इन मखलूकात को कैद करने शिकार करने इनका जाते हैं और पकड़ते हैं, फिर क्या होता है ज्यादातर तो कामयाब नहीं होते, अपना नुकसान तो करते ही करते हैं, वो जगह भी पुरसरार ज्यादा हो जाती है, वो मखलूक जो पहले इंसानों से इतनी नफरत या उनसे इतनी नाराजगी नहीं रखती थी वो बाद में फिर देखती है कि कोई आ जाए बस वहां पे हमने नहीं छोड़ना, सब एक जैसे। तो इसी तरह ना कहता हूँ कि ज्यादातर पीछे इंसान ही होता है, खुद इनका सुनाए गुजर होता है, खाली जगह अगर कहीं एक अरसे से हो जहाँ पे रोशनी आवाज खुशबू उस तरह की चीज ना हो तो वहां बस जाता है, लेकिन ऐसे गुंजान आबाद इलाकों में ऐसे जहाँ पर रौनक हो, ऐसी जहाँ आज आबादी थी कल
अचानक कुछ हो जाए, तो वहां पीछे इंसान ही होता है। क्योंकि हम कई ऐसी जगहों पर गए हैं जहां ना हमें पता चला कि जी चार कोई एक औरत बैठती थी यहाँ पर, 40 दिन तक बैठी रही, उसके बाद पता नहीं कहाँ गई। एक बंदा यहाँ बैठा रहता था, पढ़ता रहता था, कुछ करता रहता था, अपने आप से बातें करता रहता था, अचानक वो गायब हो गया और वो जगह पुरसरार हो गई। वो कोई अमल कर रहे होते हैं, सही, वो अमल में पास होते नहीं है, अपना तो नुकसान करते हैं, कई के ज़हनी तवाज़ुन पलट, ज़हन पलट जाता है, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, और वो जगह जहाँ बैठ के उन्होंने सब किया होता है ना, वो जगह पुरसरार हो जाती है। चिल्ला कह रहे हैं, कोई अमल कह रहे हैं, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव भी करते हैं, पॉजिटिव तो आप अंदर अंदर करते रहे, कहीं भी करते रहे, वो तो करवाया जाएगा आपसे। तो ये तजर्बे की चीज़ें थी जी जो आपसे शेयर की। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने मैसेजों में पढ़ा, ब्लैक बोर्ड पे कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई थी, किसी ने कहा कि भारत की बहुत दूर दराज की लैंग्वेज है, कोई मतलब 00 टाइप की, वल्लाह अलम की जगह की, तो इंडिया से यहाँ तक कि मतलब ट्रैवल करना, वो कोई भाई बता रहे थे कि ये बोर्ड पे जो 00 टाइप का कुछ लिखा हुआ, वल्लाह अलम की कोई किसी इलाके की इलाकी लैंग्वेज है, तो क्या उस बंदे क्या वहाँ से ये ट्रैवल करते हैं, एक्सेस करते हैं, या किसी, यानी कि जादूगरों के लिए क्या ये बॉर्डर्स भी दिए हैं? यार याद है हम जब वहाँ गए थे हैदराबाद के दुबदन के पागलखाने, वहाँ पर जो वार्ड नंबर 5 में एक क्रॉनिक पेशेंट ने साइन बनाया हुआ था, पेट्रा, कौन सा पेट्रा? हाँ, ट्राइपेट्रा, ट्राइपेट्रा याद आ गया मुझे। और वो एंशियंट बुक्स, मतलब कदीम किताबें जो 5000 इतने हजार साल पुरानी किताबों के अंदर जब आप सर्च करेंगे ना, ये साइन अगर आप लिखेंगे, ट्राइकेट्रा साइन, ट्राइकेट्रा, आप ये लिखेंगे ना, आपको वो सेम साइन मिलेगा जो हमें यहाँ हैदराबाद के दो बंदर में आज से 2-3 साल पहले एक क्रॉनिक पेशेंट ने बनाया हुआ है। यार देख सकते हैं आप कैसे, उसने वो 5-6 हजार साल पहले किताब कहाँ पढ़ ली, नहीं हाथी नहीं लगी होगी वो तो अब लोगों ने वहां जाके रिवील किया तो मिले ना, तो ऐसा साइन उसके दिमाग में कैसा आया, उसने कैसे बनाया, कोई उसे बनवाया गया ना, खुद तो नहीं बना, और ये वही था जिसके 6 फुट हाथ लंबे हो जाते। तो सजाद, ये इनकी जिस्मों में जो ये काबू करते हैं जो जिन्नात, इनकी तो उम्र बड़ी होती है, बड़ी लंबी लंबी होती है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे अमल ना करवाए जाते हैं इंसानों से भी, जब आप उनके सरेंडर, मतलब आप उनके हवाले हो जाते हैं, जब आप करते तो कोशिश है कि आप उनको अपने कंट्रोल में ले लें, लेकिन आपका दिमाग पलट के ना, हम कहते हैं ऐसा, मैं समझता हूँ इस बात को कि आप जो है ना वो समझ लें, वो आप पर हावी हो चुके होते हैं। वो शैतान इल्म की यही कि शैतान जब उसमें अपनी अपना जिस्म और रूह हवाले करनी होती है ना, आप कैद करने जाते हैं, आप खुद कैद हो जाते हैं, तो अल्लाह पाक महफूज रखे इस सोच से भी, इस ख्याल से भी ना। यार मैं अर्ज करूं, मैं कई मैसेज के जवाब देता हूं, ऐसा इंसान तब करता है जब वो उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, फलां फलां, या मैं किसी काबिल नहीं, मुझसे कोई काम होता नहीं, वो ऊपर देख रहा होता है अपने से, वो अपने से नीचे नहीं देखता। मैं कई लोगों को जवाब देता हूँ, जैसे जैसे हमने वाकयात शेयर किए ना, अगर आप 2-4 उसमें से सिर्फ तसव्वुर कर लेना कि अगर ऐसा आपके साथ हो, आप मुसल्ले से उठे नहीं कभी, शुक्र करते हो अल्लाह, यकीन करें। अभी फरमा रहे थे, हम एक दावत में थे, कहते हैं यार अभी बच्ची पैदा हुई, करीबी जानने वाले, यार उनको बच्ची को ट्यूमर था यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंच या 9 फुट का ट्यूमर अभी पैदा हुई, वो खा पी भी नहीं सकती, और उसको ट्यूब के जरिए जो है ना वो दिया जा रहा है, हस्बैंड नॉर्मल, वाइफ नॉर्मल, सब नॉर्मल। अभी एक भाई, उसके दोस्त बड़े भाई, उनकी बच्ची आज पैदा हुई, 3 दिन बाद वो भाई अल्लाह को प्यारे हो गए, डेंगी। फिर जो हमने इंसिडेंट बीच में शेयर किए हैं लोगों के, वो जिनके परदादा ने एक अमल किया था, वो दुनिया से इलाज हो रहा है उनका, फिर कई लोगों के, तो मैं अर्ज करूँ कि जब अपने से नीचे देखेंगे ना आप, तो सिर्फ शुक्र ही निकलेगा, और देखना ही नीचे है, हम ऊपर देखेंगे, देखते ही रहेंगे। ख्वाहिशात तो बादशाहों की पूरी नहीं हुई यार, सही है, तो किसकी ख्वाहिश हो जाएगी सारी, और आप कहो ना कि ये ख्वाहिश मेरी है बस ये हो जाए, वो हो जाएगा ना, 4 ख्वाहिशें और आ जाएंगी, और आ जाएंगी, सही है, कभी नहीं ये हो जाए, वो बचपन में नहीं होता ऐसा हो जाए, अरे वो हुआ 10 साल गुजर, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, ये तो खत्म ही नहीं होगा, दुनिया ऐसी परेशान हो रही, और ऐसी ख्वाहिशें जब आपके अंदर ज्यादा जोर पकड़ लेती है ना, फिर अल्लाह माफ करे आप सही गलत में फर्क भूल जाते हैं, आप कहते हैं बस चाहिए कुछ भी करें, तो कुछ भी नहीं करना ना है, अपने आप से कहना कि भाई वो देख उसके पास तो ये भी नहीं है यार, वो तो ये भी नहीं कर पा रहा,
साबित कदमी रखे हैं। मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि काम के सिलसिले में मेरे आगे भी गड्डी फेंकी गई थी, लेकिन हमने तो नहीं अफोर्ड की। और मैं आपको बताऊं राज, चले मैं आपको राज शेयर कर रहा हूं। जब अल्लाह पाक आपको इतना मजबूत कर देते हैं ना कि एक चीज मुझे नहीं चाहिए, उसके बगैर मेरा गुजारा हो सकता है, जब आप इतने पक्के हो जाएंगे ना, अगले दिन वो चीज आपकी हो जाएगी। जो मैं अक्सर अशफाक अहमद साहब कहते हैं ना कि असर और मगरिब के वक्त कोई टाइम ऐसा निकाल के ना कुछ ना किया करो, कुछ देर ना अपने घर की किसी भी दीवार से टेक लगा लिया करो, बैठ जाया करो ऐसे ना, दो घुटनों बैठते ना, बाजू ऐसे रखते और कुछ ना करो, सिर्फ अपनी सांस पे गौर करो जो आ रही है जा रही है। कोई लोग इसको मुशाहदे का नाम देते हैं, कोई रैकी पता क्या क्या, तो गौर व फिक्र का हमें हुक्म भी है जी। अगर सब्र करना इतना आसान होता तो उस पर इतने इनामात नहीं होते ना। अल्लाह पाक खुद ही कभी ये नहीं कह रहे होते कि मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ, तो यकीनन आसान तो नहीं है। इन अल्लाह है मा साबरी, तो आसान नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये है कि ये कन्फर्म है, रिजल्ट जो है ना उसका आता है आएगा। अभी तो हम चल नहीं रहे इस रस्ते पे यार, चलने की कोशिश कर रहे हैं और तमाशे देख रहे हैं, चलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, कभी कभार ऐसी बचत भी हो जाती है, तो जैसे आपसे एक सिलसिला है हर बात शेयर करने का, दिल की बातें करने का, हमने कहा जारी रखते हैं। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी दोबारा एक नए जगह पर। कल जाना है सर? कल जाना है, तो सब आपके सामने है जी। कुछ कुछ समझ आया यहाँ पर भी, कुछ चीज़ें नई सामने आई, और करीब से देखा, महसूस किया चीज़ों को, आपको भी दिखाया। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलामुअलैकुम।